उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को वर्ष 2019 का हेडगवार प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय द्वारा कला मंदिर प्रेक्षा गृह में आयोजित डॉक्टर हेडगवार प्रज्ञा सम्मान के 30वें संस्करण के अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर हेडगवार का दर्शन एक सारस्वत दर्शन है। उन्होंने देश में फैले छुआछूत एवं ऊंच नीच की दूरी को समाप्त करने हेतु भारत माता की जय का मंत्र देकर हमें एक ही माता का पुत्र बना दिया। उन्होंने कहा कि साहित्य का स्वरूप सकारात्मक होना चाहिए। वादों में बांटा हुआ साहित्य राष्ट्र एकता का संदेश नहीं दे सकता। समारोह में प्रधान अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि डॉक्टर हेडगवार के मन में संघ की स्थापना का बीजारोपण कोलकाता में ही हुआ था। समारोह के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि भौतिकता की आंधी में भी जो लोग स्थिर हैं, वे ही देश की प्रज्ञा को बचाकर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध गायक ओम प्रकाश मिश्र ने राष्ट्रगान वंदे मातरम और पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी के स्वस्वर पाठ से की। कार्यक्रम का संचालन कुमार सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी और धन्यवाद ज्ञापन पुस्तकालय के मंत्री महावीर प्रसाद बजाज ने की। आज विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक बन गया है। मूल में क्या दोष है? मूल में भारत की संस्कृति जिस पर प्रहार करते हुए लोग पूरी चेष्टा करने के बाद भी पराजित हो गए और हमारी संस्कृति अक्षुण रही। विश्व का इतिहास हम देखें तो बहुत सी सभ्यताएं, बहुत सी संस्कृतियां समाप्त हो गई। कभी कभी पढ़ते हैं ग्रीक रोमन यूनान सब मिल गए इतिहास से, लेकिन हमारी संस्कृति डॉक्टर हेडगवार ऐसे पुरुषों के प्रयास के कारण आज भी जीवन है। और दुख तब होता है जब हम कभी समाचार पत्र में पढ़ते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल से देखते हैं, वंदे मातरम हम नहीं जानेंगे। जब इस प्रकार की भावनाएं होती है तो मन के अंदर आक्रोश भी होता है, लेकिन एक प्रश्न होता है कि क्या हमारी संस्कृति इतनी कमजोर है? क्या हमारे अंदर हृदय के भारतीयता का भाव अभी पूरी तरह से जमा नहीं है? क्या भारत के निवासी इतने अनैतिक हो गए हैं कि वंदे मातरम का भांग जाने में भी उनको संकोच लग रहा है? डॉक्टर हेडगवार के अनुसार ऐसी शक्तियां किसी भी देश को अंदर से कमजोर करने वाली होती हैं और इन शक्तियों का उत्तर हम भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं, प्रवाह करते हैं, अपने जो मूल मंत्र हैं उनके बाद आगे लेकर उनकी बातों को आगे लेकर के बढ़े तो निश्चित रूप से परिवर्तन का एक शाश्वत रूप, एक सफल रूप हमारे सामने दिखाई पड़ेगा। उसको सम्मान, उसको माल्यार्पण, उसको अनुभव और उसकी प्रशंसा की जाए तो एक विनम्र सामाजिक कार्यकर्ता के चित्र में ऐसे अवसर पर थोड़ी सी भावुकता आती है। किसी किसी को ज़्यादा आती है, किसी किसी को कम आती है, और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं आती। वह कहते हैं कि ये तो हमको पहले ही मिल जाना चाहिए था, और एक्चुअली वो एक्चुअली लगाते हैं भाषण में और कहते हैं एक्चुअली हम तो दिल्ली में ट्राई कर रहे थे कि वो ज्ञान पीठ मिल जाए, चलिए यही मिल गया तो कोई बात नहीं, तो पुरस्कार भी लोग ट्राई करते हैं। मेरे लिए हमारा फिर से मैं एक बार रेखांकित करूँ तब मूल विषय पर आऊँ। हम तीन प्रमुख कार्यकर्ता मंच पर हैं, आदरणीय केसरी जी अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय राम नाईक जी मुख्य अतिथि हैं और मैं सम्मानित हो चुका हूँ। और हम तीनों में से तीनों आम जनता के बीच में सघन काम करते रहे, अपने अपने ढंग से आम जनता के साथ काम करते हुए उनका वोट लेते रहे, फील्ड के कार्यकर्ता के रूप में तीनों रहे। सबके अपने अपने काम करने की शैली हो सकती है, लेकिन हम तीनों केवल अखबार में लिखकर अथवा कोई किताब को लिखकर अथवा किसी अन्य तरीके से नाम बढ़ा करके सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बने हैं, जनता में गए हैं, चुनाव में वोट मांगे हैं घर घर जाकर तीनों। मैं उसमें सबसे छोटा हूँ और आम जनता का विश्वास और भरोसा लेकर कई बार विधायक, लोकसभा के सदस्य राम नाईक जी हुए और अन्य
अनेक बार विधायक मंत्री भिन्न भिन्न पदों पर आदरणीय केसरी जी हैं। करेंगे हम सब के सब वह साधना तुम्हारी, आत्महवन से राष्ट्रदेव की आराधना तुम्हारी। निश दिन तेरी ध्येय चिंतना, आकुल मन की साक्षात्कार ध्येय का हो यह मन कामना।